मित्रों जय माता दी, माता रानी की कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों के रेडी कराए हैं, जो कि कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन क्या सा रहेगा और किस प्रकार खुशियों को प्राप्त करने के मौके होंगे, तो कुछ बड़ी घटनाएं आपके जीवन में किस प्रकार घट सकते हैं, तो तमाम समस्याओं का निदान किस प्रकार हो सकता है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर इच्छाओं को किस प्रकार पूरा करना हो सकता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर चीज़ों को लेकर मन में शांति को लाने का कार्य किस प्रकार हो सकता है। आज आपको बताना चाहेंगे कि आने वाला 4 दिन आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू करने का मौका किस प्रकार दे सकता है और आज के दिन का आप लोगों का व्यापारी व्यवसाय करियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, बाकी का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार बढ़ सकते हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी किस प्रकार सुपर बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि शुभ क्षेत्र में कार्य को करने हो सकते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट बहुत विकास और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरे से पूरा अवश्य देखें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों आज का दिन स्वास्थ्य के मामलों को देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ब्रेक लेकर कार्य को करना हो सकता है, ध्यान देना जरूरी हो सकता है। यह समय छठे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाने से कोई पुरानी बीमारी आपके लिए परेशानियों को खड़ी भी कर सकती है। आज गुजवान पैन जैसी समस्याओं आपको तनाव दे सकते हैं और इसे लेकर आपको सावधान रहना हो सकता है, इसके लिए जरूरी हो सकता है ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टरों की सलाह अवश्य लेना हो सकता है। इस समय महीने में आप लोगों को यह दिन के दिन में ऑपरेशन कराने से लगभग बचें, क्योंकि आप यह गलत निर्णय ले सकते हैं और जीवन में कुछ बढ़िया कार्य को करने के मौके मिल सकते हैं। संबंध मधुर हो सकते हैं, काफी लंबे समय से रोग से ग्रसित जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रह सकता है और आपकी सेहत में सुधार दिख सकता है। आपकी बारी खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो सकता है, तली भूरी खाने से चीजों से परहेज करना हो सकता है, समय पर भोजन नहीं करने की वजह से आपको आपस जैसी समस्या परेशान कर सकती है। आपके लिए सलाह दी जाती है कि मोटापे से लगभग बचे, शुगर या चीनी से आज आप लोगों को शुगर या जीवन शैली से जुड़ी हुई कई दूसरी बीमारियों को लेकर सतर्क रहना हो सकता है। स्वास्थ्य एवं दिनचर्या अपनाने होंगे, व्यायाम करने होंगे और आज आप सभी के जीतकों के जीवन में शुरुआत से ग्रहण स्थिति काफी बेहतर हो सकते हैं और आप लोगों को जीवन में आप लोगों के दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार प्रथम भाव में उपस्थित रहने वाले हैं, इसकी वजह से आपके किरण में सभी तरह की मजबूती आ सकती है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की सभी परेशानियां दूर होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों आप लोगों के जीवन में नौकरी पैसा वाले लोगों को चलिए चक्री में चली आ रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। इसके साथ नई नौकरी मिल जाने के मार्ग खुल सकते हैं। दशम भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि हो जाने से पूर्वांत ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन और बंदोती के मामलों में स्थान परिवर्तन के योग बन जा रहे हैं और आप लोगों को जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं और तमाम समस्याओं को चीजों को लागू हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जातकों के लिए नई नौकरी के योग बन सकते हैं। किसी भी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आप लोगों को जीवन में कुछ तोहफा मिल सकते हैं और आपको प्रतिवस्त्राओं के कार्य में बेहतर विजय को प्राप्त हो सकते हैं। आज कोई पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा भी प्राप्त होने वाले हैं और आज यह समय आप लोगों के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। तमाम समस्याओं का निदान करने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रह सकता है और आप लोगों को जीवन में कुछ बढ़िया कार्य को होने की संभावनाओं का निर्माण हो सकता है और किसी भी चीजों को लेकर यह समय सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। अपनी शादी की बात को गंभीरताओं से सुने, स्वयं की सच्चाई सामने कोशिश करें। अच्छा समय होगा, खांसी खजाक से हर गड़बड़े आते हैं बिल्कुल ना निकले। गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखने होंगे, इसकी वजह से साथी पर विश्वास बनाए रखने होंगे। धन शुभ और बेहतर कार्य होंगे। जय मां बिंदु।